सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूट्यूबर सिस्टर्स को और बेल आइकन को दबाइए हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए। स्टार्ट कर देती हूँ। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टर। आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेम खेलने जा रही हूँ, जो कि है ग्रानी 3। और ग्रानी 3 तो अमेजिंग गेम है ही, लेकिन आज जो मैं ग्रानी 3 का मोड ट्राई करने वाली हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो आज मैं खेलने जा रही हूँ साइबरपंक ग्रानी, और ये ग्रानी बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर का है। पिंक नहीं, एक्चुअली थोड़ा पर्पलिश टाइप का है, और मैं लेकिन पिंक पहनना भूल गई या फिर पर्पल पहनना भूल गई। और देखो, लेकिन सिलेंड्रीना ने तो ग्रीन पहना हुआ है। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर बिना कहीं मत जाना। और ग्रानी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, साथ वाला जो ना बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। एंड हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी को एक और चीज़ बतानी है, जो कि है मेरे चैनल पे हो चुके हैं 40,000 सब्सक्राइबर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इतना बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट करवा दिया। और जल्दी जल्दी 50,000 का भी कंप्लीट करवा दो, और आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और सच में यार, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वंस अगेन थैंक यू। ऐसा ग्रानी तो मैंने आज तक नहीं देखा, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वाह यार, ये पर्पल कलर का गेट तो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है इसका, ग्रानी का पूरा ही घर। मतलब ग्रानी के पास इतने अमेजिंग और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते ही कहाँ से हैं यार। ग्रानी ने पूरा घर ही पर्पल में करवा दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ग्रानी के पास ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि ग्रानी तो अजीब सी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता कि उसको क्या करना है, सब कुछ सारे आइडियाज़ ग्रानपा ही देता होगा। तो ग्रानपा ने पहना है ब्लू, और ग्रानी ने पहना है पर्पल, और सिलेंड्रीना ने पहना है ग्रीन, तो पूरा कॉम्बिनेशन पहना हुआ है इन्हें, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं सारे के सारे ही। सो दिस इज़ आवर डे वन, और अभी मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वाओ, पूरा अजीब सा ही लुक दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। ये पूरा ही घर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये पूरा पर्पल पर्पल हो रखा है, और पर्पल और ब्लू है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़मीन पे चलने से तो सीरियसली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया है। ग्रानी ना बहुत क्लेवर है, उसने जानबूझ के ये पर्पल करवा दिया पूरा, और इतना ज़्यादा पर्पल है कि मुझे सीरियसली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या लिखा है। ओ यस, मुझे वेपन की मिल गई इतनी जल्दी। वाओ, एंड फ्रेंड, मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है एक्चुअली, कि मैं एंड इंशा ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम खेलेंगे पॉपिट ग्रानी 3, और पॉपिट ग्रानी 2 भी है वैसे तो, लेकिन अभी हम पॉपिट ग्रानी 3 खेलेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम होगा। तो आप लोग बताना कि आप सभी को इस गेम की वीडियो देखनी है, आप सभी को उस गेम का, मैं भी तो जानूँ कि जो वीडियो हम प्लान कर रहे हैं वो आप सभी को देखनी है या फिर नहीं। तो प्लीज़ बताना कि हमें पॉपिट ग्रानी खेलना चाहिए या फिर नहीं। एंड हाँ फ्रेंड्स, हम मैं और निशा ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम ब्रिज ग्रानी 3 खेलें, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है ब्रिज ग्रानी 3, और आप सब ये बोलते हैं, लेकिन हम खेल ही नहीं पा रहे क्योंकि ये गेम डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा। तो प्लीज़ यार, मेरा और निशा का ना तो बहुत मन कर था कि हम ब्रिज ग्रानी 3 खेलें, लेकिन हम नहीं खेल पा रहे अभी क्योंकि गेम डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लिंक है जिससे आपने भी ये ब्रिज ग्रानी 3 डाउनलोड करा हो, या फिर आपके पास कोई भी लिंक है ना, तो हमें ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। ग्रानी मेरे पीछे पड़ चुकी है यार, लेकिन मुझे जल्दी से पहले मारना है इन लोगों को। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन ही है। ओके, तो मैंने वेपन की लगा दी, मुझे वेपन की थी तो मिला है स्लिंग शॉट, जो कि हर बारी मिलता है।
नो यार, मैंने ये क्या करा, मैंने ग्रानी के हेड पे नहीं मारा जिसकी वजह से वो नहीं हो पाई। ओ म्यूजिक बहुत ज्यादा कमी है। मुझे मिल गया एक और स्टोन, तो स्टोन से मारूंगी। इस बार तो मैं ग्रानी के हेड पे ही मारने वाली हूँ, क्योंकि ग्रानी ना जितना अपने आप को क्लेवर समझती है उससे कहीं ज्यादा मैं हूँ। तो मैं इस बार ग्रानी को नहीं जिंदा रहने दूंगी। ये मैंने ग्रैंडपा को मार दिया, अब बारी है ग्रानी की। सो ग्रानी जल्दी से आ जाओ। बाय बाय ग्रानी, मैं आज करूँगी गेट एस्केप, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम करा था ट्रेन एस्केप, एंड ट्रेन एस्केप मैंने लास्ट टाइम ही करा था। पिछले दो बार से मैं ट्रेन एस्केप ही करती आ रही हूँ, तो इस बार मैंने प्लान करा है कि मुझे करना चाहिए गेट एस्केप, तो इसलिए इस बार मैं गेट एस्केप कर रही हूँ। बस ये मेरा एक डे जा चुका है यार, प्लैंक नहीं है यहाँ पर, बट इट्स ओके। तो सेंड्रीना अभी फाइनली जाने वाली है, एक्चुअली पे जा रही है। क्या दिया सेंड्रीना ने, सेव की। तो ये सेंड्रीना ने मुझे ये सेव की, और अभी सेव की से मैं लगाने वाली हूँ, सेव की वाली जगह पर इसको प्लेस करने वाली हूँ। मुझे मेरी पैडलॉक की भी मिल गई है, मेरी शॉटगन ये मिली। मुझे लगा मेरी शॉटगन खो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रानी आ गई है, और ग्रैंडपा भी बस आने वाला है, क्योंकि मैंने ग्रानी को मारा है, ग्रैंडपा तो उसके पहले ही मारा था। ओ आ गया ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडपा एंड बाय बाय। सो ग्रैंडपा और बुड्ढे को मैंने मार दिया है। अब क्या लगाऊं मैं, पहले ना कौवे को देख लेना चाहिए था कि प्यारे प्यारे कौवे के पास है क्या। तो दोनों वास मैंने गिरा दिए हैं, और उसके पहले मैं कौवे को मारूं तो मैं सबसे पहले देख लेती हूँ अपने क्रो के पास है क्या, तभी मारूंगी उसको। अगर उसके पास कुछ ट्रेन की वाला आइटम होगा तो मैं वो नहीं लूंगी। क्या ये शेड की है, ओह नाइस, तब तो कौवे को मारना बनता ही है। अब जब क्रो के पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो क्रो को मारना ही पड़ेगा। ओ यार डर लग रहा है, मम्मी कोई ये क्या कर रहा है जा। तो ये मैं फाइनली यहाँ पर आ चुकी हूँ, और मैं अपने प्यारे प्यारे क्रो से शेड की भी लेने जा रही हूँ, एंड एक्चुअली मैंने ले ली। एसिलेटर मिला यार, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी नहीं कर रही हूँ ये एस्केप। अभी ना पहले ग्रानी ग्रैंडपा को मार देते हैं। तो मैंने अपनी शॉटगन ले लिया, बट इसके अंदर एमो सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, तो मैंने ये भी ले लिया। सब कुछ ना कलर सबका चेंज हो गया, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा ही लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा मतलब। चलो मैंने कर लिया शॉटगन की आवाज़,
और ये वॉइस सुनकर ग्रानी तो आने ही वाली है, क्योंकि ये ग्रानी सारी ही वॉइस कैप्चर कर लेती है अपने दिमाग में और फौरन उधर आ जाती है कि एंड फ्रेंड मैंने रिसेंटली बहुत सारे गेम खेले थे, ग्रानी के ही बहुत सारे मोड्स खेले थे मैंने, ग्रानी साइबर मोड भी खेला है मैंने, एक बार अभी मैंने रिसेंटली फ्रेंड्स मैंने मिस्टर मीट का हैप्पी बर्थडे मोड खेला है एंड मिस्टर मीट के बर्थडे पार्टी में मैं गई थी। तो अगर आपने मिस्टर मीट बर्थडे वाली वीडियो नहीं देखी तो क्यों वेट कर रहे हो, आप जल्दी से आकर देख लो। एंड ग्रानी भी आ गया, और पता है मिस्टर मीट के बर्थडे में तो ग्रानी भी आई थी, और मैंने इसका गाउन देखा था, इतना प्रिटी लग रहा था, इतने अच्छे थे, तो ग्रानी कभी नहीं सचती। और मिस्टर मीट के ग्रानी और मिस्टर मीट के बर्थडे में तो ग्रानी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने ना मिस्टर मीट के बर्थडे में बहुत मज़ा करा था। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो जल्दी से जाकर देख लो, मेरे चैनल पर भी वीडियो आ चुकी है, रिसेंटली आई है, सबसे लेटेस्ट वीडियो मेरी वही है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे गेम खेले मैंने, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना वहाँ पर जाकर। चलो अभी मेरे पास एक एमओ है शॉटगन की, तो मैं लेकर चलती हूँ, जो कि मैंने तोड़ दी है। मतलब ग्रानी के घर में आकर मैं क्या उसके शीशे वीशे तोड़ रही हूँ। फ्यूज मिल गया यार, सीरियसली मुझे फ्यूज मिला है। प्लैंक तो मिल जाए यार, फिर तो ब्रिज क्रैंक लूंगी। ब्रिज क्रैंक नहीं मिल रहा अब तक, अच्छी चीज, लेकिन बहुत डर लग रहा है कि कोई आ ना जाए ग्रानी या ग्रैंडपा में से। मेरे पास तो अभी शॉटगन भी नहीं है, शॉटगन की आमो भी नहीं है। प्लैंक मिल गया, ओ यहाँ से मिल रहा था मुझे प्लैंक। ओ यार, और मैं प्लैंक के बाद प्लैंक के बारे में कितनी ज़्यादा वरी थी, लेकिन अब मुझे प्लैंक मिल गया है, सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आज भी करिए तो ग्रानी भी आएगी आएगी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मारना ही सबसे ज्यादा अच्छा काम रहेगा, और ये काम मुझे बहुत पसंद है। ग्रानी ने मुझे एक बार मारा, नहीं ग्रैंडपा ने मुझे एक बार मारा, और उसके बदले में बेचारों को कितनी बड़ी सजा दे दी मैंने, 2-3 बार तब से मैं मार चुकी हूँ दोनों को, और अब मुझे मारा है तो ये तो उनको झेलना ही पड़ेगा ना। तो ग्रैंडपा ने हरकत करी, ग्रैंडपा ने मुझे मारा, और बेचारी ग्रानी को भी उसके साथ सफर करना पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मैं दोनों को फिर से मारने जा रही हूँ, और एमो भी मेरे पास है, एमो मैं ऊपर से लूँगी, और उसके बाद मैं फ्यूज लगाऊंगी और प्लैंक लगाना है, प्लैंक से ब्रिज क्रैंक मिलेगा, और फिर ब्रिज क्रैंक लगाऊंगी, और उसके बाद तो मैं स्किप कर सकती हूँ तो इतना काम मुझे अभी करना है। एंड फ्रेंड्स आप मुझे आज बताना कि मैं वो चुटकी लग रही हूँ या फिर नहीं, वो छोटा भीम वाली, आपने छोटा भीम कार्टून तो देखा ही होगा, एंड सभी देखते हैं, तो आज मैंने ना वैसी छोटा भीम वाली चुटकी की तरह ही ये बना रखी है छोटी मैंने बिल्कुल उसकी तरह ही लग रही हूँ कि आज मैं, बस उसके ना गालों पे ज़्यादा ब्लश रहता है तो बस उसकी कमी है, वरना तो आज मैं बस वही बन जाऊंगी थी। मम्मी क्या ये ग्रानी ग्रैंडपा का है, मतलब ग्रैंडपा गई वापस ऊपर और उसने ग्रानी को बता दिया कि शफा नीचे है, उसने ग्रैंडपा को बताया कि शफा नीचे है और ग्रानी आ गई मुझे मारने के लिए। कब से मैं नीचे ही फंसी हुई हूँ, ये ट्रैप अब तक यहाँ पे बचा, अब तो कोई नहीं आ रहा ना, प्लीज़ यार माफ़ कर दो। लग रहा है ग्रानी और ग्रैंडपा को मेरी ना वो मारने वाली बात सुनकर बहुत बुरा लग गया, मैंने अभी बोला था कि मैं इनको मारूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, मम्मी कौन है, किसी ने तो देखा बट मैंने नहीं देखा कि किसने देखा, समझ में आया। यहाँ से मैं लूँगी अपनी एमो, बट इसके पहले कोई आके मुझे मार ना दे। तो ये है बुढ़े, इधर आ जा, चलो इधर इधर चलो। हाँ ग्रैंडपा ने चश्मे पहने हुए हैं, ग्रानी भी आ रही है, ग्रानी तुमने क्यों नहीं पहना ग्रैंडपा जैसे चश्मा। चलो अभी मैंने इन दोनों को मार दिया ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करा मैंने, ये दोनों ना इसी लायक हैं, दोनों बुढ़े बुढ़ी को ना ऐसे ही मार देना चाहिए, तभी इन लोग की अकल ठिकाने आएगी। ओ ओ ओ ट्रैप, क्या यार ग्रानी के ट्रैप भी, मुझे प्लैंक चाहिए ग्रानी, प्लैंक बाय ट्रेन, लेकिन आज
ट्रेन ना गुस्सा हो गई होगी कि आज मैं ट्रेन एस्केप नहीं कर रही, और बेचारी ट्रेन ने पता नहीं अपनी क्या डेस्टिनेशन प्लान करी होगी और मैं तो ट्रेन में जा ही नहीं रही, तो ट्रेन को ड्राइव कौन करेगा? हटो, अरे हटो, ये अजीब सा ये मशीन था, पता नहीं क्या। चलो अभी हम प्लैंक लगाने जा रहे हैं, और ये देखो प्लैंक और इसका कलर, वार्डरोब का कलर बिल्कुल मैच हो रहा है, ग्रीन ग्रीन। एंड ये ग्रानी ना बिल्कुल कलरफुल ग्रानी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो आज खेलने में, ग्रानी खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है। वैसे फ्रेंड्स आपको पता ही, मुझे ना साइबर पंक का मतलब तो पता ही नहीं है, मतलब आज जो मैं गेम खेली मुझे पता ही नहीं है कि ये कौन सा गेम है, साइबर पंक का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना। ऐसा एक भी गेम, ऐसा एक भी मोड नहीं होता कि जिसका मुझे मतलब ही ना पता हो, लेकिन ऐसा आज फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मुझे साइबर पंक का मतलब ही पता। तो अभी मुझे क्या लगाना है, अभी मुझे लगाना है, देखो मैं कितनी फास्ट काम कर रही हूँ। हाँ, और उसके बाद फ्यूज भी लगाना है, उसके बाद जाके मैं एस्केप कर सकती हूँ, लेकिन एस्केप करने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने अपना फ्यूज लगा दिया है और ये अब बटन भी दबा दिया, तो ये अब मैं जा रही हूँ एस्केप करने। तो लास्ट टाइम कौवे को बाय बोल के आते हैं, बाय 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 कौवे, कौवे जी बाय बाय। एंड ग्रानी ग्रैंडपा को भी एक बार बाय बोल देते हैं, लेकिन उनसे मुझे मुलाकात नहीं करनी, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। तो चलो, ओह किसी ने देख लिया, ओह भागो जल्दी से, ग्रैंडपा ही ने देखा है। चलो ग्रैंडपा भी बेचारा आ गया, बाय ग्रैंडपा, ये आते रहने दो, आते रहने दो, चलो बाय बाय। आज की वीडियो, मैंने तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा करा, और ये घर देख के ना बिल्कुल पागल हो गई थी, इतना कंफ्यूजिंग हाउस था ग्रानी का। और आप लोग बताना कि आपको ये साइबरपंक ग्रानी मोड पसंद आया या फिर नहीं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस साइबरपंक का मतलब पता है या फिर नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर देख लो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और या बाय।